जैसे स्टार्ट करते हैं जो कि हमारा सोचो और अमीर बन जाओ। उसमें हमने चैप्टर किए थे, दो चैप्टर कर चुके हैं हम लोग। एक अच्छा कैसे मतलब बिलीव लेवल को स्ट्रॉन्ग बनाए, परिचय जिसमें हमने किया था, और दूसरा हमने किया कौन सा, इच्छा शक्ति, कि अपनी इच्छा शक्ति पे हमें कैसे काम करना है। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं जो कि हमारा है। कौन करेगा रीडिंग? कोई नहीं, कर रहा था, मैं ही कर लेती हूँ। साथ मैं कर रही हूँ, बहुत दिन हो गए मुझे भी रीडिंग जी ना। चलिए, वॉइस क्लियर है ना सुष्मिता? हाँ मैम, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इच्छा शक्ति, सॉरी थर्ड चैप्टर है हमारा विश्वास। इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करना और उस पर विश्वास रखना, यानी जो आप सोचते हैं कि ये मैं चाहती हूँ वो हो जाए, और उस पर विश्वास रखना कि वो हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप उस पर सोचना बड़ी बात नहीं है, उस पर विश्वास करना बड़ी बात है, क्योंकि हम सोचते तो बहुत कुछ है बट होता क्या, हम उन चीजों पर विश्वास नहीं करते कि हम वहां पहुंच पाएंगे या वो चीज कर पाएंगे या नहीं। तो वही बात है कि इच्छा शक्ति की प्राप्ति के लिए कल्पना, उसको एक तो विजुअलाइज करना है और दूसरा उस पर ट्रस्ट करना है कि वो हमें मिल गया है या मिल रहा है। दौलतमंद बनने की और दूसरा कदम है विश्वास। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचारों की आवृत्ति विश्वास के साथ जुड़ती है, तो अंतर्मन उन विचारों की आवृत्ति को आध्यात्मिक शक्ति के रूप में असीम शक्ति के पास भेज देता है, जो उसे वास्तविक रूप में आकार दे सके। सभी सकारात्मक भावनाओं में से सबसे ताकतवर भाव होते हैं विश्वास, प्रेम एंड सेंस। जब ये तीनों मिलते हैं तो इनमें इतनी अपार शक्ति है जिससे विचारों में नई ऊर्जा भर के तुरंत अंतर्मन में पहुंच जाती है, जहां ये आध्यात्मिक शक्ति के रूप में बदल जाती है। आध्यात्मिक शक्ति वह माध्यम है जो असीम शक्ति से वास्तविक जीवन के विचारों को साकार करने का जवाब लेकर आती है। प्रेम और विश्वास मन से संबंधित है, जो अधिकतर अध्यात्म पक्ष से जुड़े होते हैं, जबकि सेक्स पूरी तरह जीव विज्ञान से संबंधित है, यह सिर्फ शरीर से जुड़ा हुआ पक्ष है। इन तीनों भावनाओं का मिश्रण नियत विचारणीय मन और असीम शक्ति के बीच संवाद का सीधा रास्ता बनाता है। विश्वास कैसे विकसित किया जाए? अब कह तो दिया भैया विश्वास करो करो, बट उसको एक विश्वास करे कैसे, तो उसके बारे में जानते हैं। विश्वास एक ऐसी मनस्थिति है जिसे आत्म सुझाव सिद्धांत द्वारा अंतर मन में बार बार सुझाव देने के लिए विकसित किया जा सकता है। विश्वास ऐसी योग्यता है जो इच्छा के संवेग यानी धन को भौतिक रूप से साकार कर सकता है, जो अगले अध्याय में आत्म सुझाव और अध्याय अंतर मन में अनुदेश बताए गए हैं। उन्हें पढ़कर आपको पता चलेगा कि आप जो चाहते हैं उसके बारे में अगर अंतर मन को विश्वास दिला दें तो वह जरूर मिल सकता है। अपना आपका लक्ष्य आपके लक्ष्य प्राप्ति के लिए अंतर मन आपके विश्वास के आधार पर काम करेगा। अंतर मन यानी कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें हमें बिठा देनी होती है कि हमें वो चीज मिल गई है। अगर किसी व्यक्ति के पास विश्वास का नामो निशान ही नहीं है, तो उसे यह बताना बहुत मुश्किल है कि किस तरह विश्वास विकसित किया जा सकता है। यह ठीक उतना ही मुश्किल है जितना किसी अंधे व्यक्ति को लाल रंग के बारे में बताना। विश्वास एक मनस्थिति है जिसका विकास किताब में दिए गए इस 13 सिद्धांतों पर महारत हासिल करने के बाद किया जा सकता है। बार बार अपने मन में सुझाव डालने ही खुद से भावनाएं विकसित करने का एकमात्र जरिया है। आगे दिए गए विवरण से साफ हो जाएगा, जो सुझाव आप मन में डालते हो वही बन जाते हो, यहाँ तक कि अपराधी भी।
एक आपराधिक रसद में कहा गया है कि जब लोग पहली दफा अपराध या अपराधियों के संपर्क में आते हैं तो उनसे घृणा करते हैं। अगर आप घृणा करते हैं, अगर फिर भी वे किसी तरह कुछ दिनों तक अपराध के संपर्क में बने रहे तो उसके आदी होने लगते हैं और सहन करना सीख जाते हैं, तथा जब भी कभी काफी लंबे समय तक उनके संपर्क में रहते हैं तो अपराध से प्रभावित होकर उसमें शामिल हो जाते हैं। कहते हैं ना, जैसी संगत वैसी रंगत। तो क्या होगा, जैसे अपराधियों के संगत में रहेंगे तो वैसे ही हम लोग हो जाते हैं। अगर इस बात को इस तरह कहें कि अगर आप आवेश के साथ किसी विचार को लगातार सोचते हैं तो अंतर्मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और इस पर कार्य करता है। अंतर्मन उस संवेग को साकार रूप देने के लिए कोई ना कोई व्यवहारिक प्रक्रिया उपलब्ध कराता है। वे सभी विचार जिनसे भावनाएं जुड़ी हैं और उनमें विश्वास भर जाता है तो विचार खुद को भौतिक रूप में तब्दील कर लेते हैं। इसका मतलब समझे, अगर हम चीजों को पूरे मतलब अंतर्मन यानी हम सब कॉन्शियस माइंड में लगातार उस चीज को सोचते हैं तो क्या होता है, एक तो हमारे दिमाग में बैठ जाती है और उसके अकॉर्डिंग हम चीजों को करने लगते हैं, कोई ना कोई एक्शन करते हैं जिससे वो चीज होने लगती है। तो हम क्यों बार बार, यहाँ पर कहा जाता है कि कोई भी चीज आपको अगर पानी है उसको बार बार बोलो, बार बार सोचो, उस चीज को विजुअलाइज करो ताकि वो आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठे। जब सब कॉन्शियस माइंड में बैठ जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका मतलब माइंड, दिल और दिमाग उस चीज को हासिल करने के लिए एक्शन करना स्टार्ट कर देगा, जिससे आप उस चीज को पालोगे। ऐसे लाखों लोग हैं जो ये मानते हैं कि वे गरीबी और भूखमरी में जीने के लिए इसलिए अपशब्द हैं क्योंकि यह रहस्यमय शक्ति उनके खिलाफ काम कर रही है जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। इस नकारात्मक आस्था या विश्वास के कारण वे अपने दुर्भाग्य के निर्माता खुद होते हैं क्योंकि उनका अंतर्मन उनके इस नकारात्मक विश्वास को पकड़ लेता है और इसे भौतिक रूप में आकार देता है। एक बार फिर यह उतना उचित होगा कि यह बताना उचित होगा कि यदि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलना चाहते हैं तो आप उसे अपने अंतर्मन तक पहुंचा दीजिए, परंतु इसके लिए जरूरी है कि आपकी चाहत मजबूत और आशावादी हो। अगर ऐसा है तो आप उसे भौतिक रूप में बदल सकते हैं। आपका विश्वास ही अभय भाव है जो आपके अंतर्मन की क्रिया को निर्धारित करता है। आत्म सुझाव के द्वारा अपने अंतर्मन को धोखा देने से आपको कोई नहीं रोक सकता, जिस तरह मैंने अपने पुत्र के अंतर्मन को धोखा दिया। इस धोखे को यथार्थवादी बनाने के लिए इस तरह का व्यवहार करें जैसे आपके पास पहले से ही वह भौतिक वस्तु मौजूद है जिसकी आप इच्छा कर रही हो। यह भाव आप में उस समय होना चाहिए जब आप अपने अंतर्मन को आदेश दे रहे हो। अंतर्मन विश्वास और आस्था की स्थिति में दिए गए किसी भी आदेश को जिसके बारे में आपको विश्वास हो कि हकीकत में बदल जाएगा, सबसे सीधे और व्यवहारिक तरीके से भौतिक रूप में बदल देगा। निश्चित रूप से इतना कहा जा सकता है कि आप उस शुरुआती पॉइंट पर पहुंच सके जहां से प्रयोग और अभ्यास के द्वारा आप अपने अंतर्मन को दिए जाने वाले किसी भी आदेश को आस्था से सरोवार करके करने की योग्यता हासिल कर सके। पूर्णता अभ्यास से ही, जो कि पूर्णता अभ्यास से ही आएगी, यह केवल निर्देशों को पढ़ने भर से नहीं आ सकती। आपके लिए यह अनिवार्य है कि आप सकारात्मक भावनाओं को अपने मन की प्रबल शक्तियों के रूप में प्रोत्साहन करें, नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित करें करके उन्हें अपने मन से निकाल दें। जिस मन में सकारात्मक भावनाओं की प्रबलता होती है वह उस मन की अवस्था का प्रिय निवास बन जाता है। वह मन की इच्छा के अनुरूप अंतर्मन को निर्देश देता है जिसे यह स्वीकार करता है कि यह इस पर तुरंत कार्य करता है। काफी लंबे समय से धर्मावलंबी संघर्षरत मानवता को यह संदेश देते रहे हैं कि उन्हें इस धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करना चाहिए, परंतु वे लोगों को यह बताने में असफल रहे कि विश्वास को किस तरह से पैदा किया जाए।
उन्होंने यह नहीं बताया, विश्वास एक मानसिक अवस्था है जिसे आत्म सुझाव द्वारा विकसित किया जा सकता है। ऐसी भाषा में जिसे एक आम आदमी समझ सके, हम वह सिद्धांत बताएंगे जिसके द्वारा विश्वास वहां पर विकसित किया जा सकता है जहां पर इसका नामो निशान नहीं है। आप अपने पर विश्वास रखो और परम पिता पर विश्वास रखो। इससे पहले कि हम शुरू करें, आपको फिर एक बार याद दिलाना जरूरी है कि विश्वास ही वो शक्ति है जो आपके विचार के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पिछले वाक्य दोबारा पढ़ने लायक है और तीसरी बार यहाँ तक कि कई बार भी पढ़ सकते हैं। जो जोर से पढ़े तो बेहतर होगा। विश्वास धन कमाने का शुरुआती बिंदु है। विश्वास उन सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिन्हें विज्ञान के नियमों के आधार पर स्पष्ट नहीं किया जा सकता। विश्वास कामयाबी का इकलौता इलाज है। विश्वास वह रसायन है या वह केमिकल है जिसे जब प्रार्थना के साथ मिलाया जाता है तो इंसान असीम शक्ति का सीधा संवाद करता है। विश्वास वो केमिकल है जो इंसान के सीमाबंद मन द्वारा निर्मित विचारों के आम कंपनों को आध्यात्मिक समतुल्य के रूप में रूपांतरित करता है। विश्वास इकलौता माध्यम है जिसके द्वारा इंसान असीम शक्ति की वैश्विक शक्ति का दोहन कर और प्रयोग कर सकता है। प्रमाण आसान है और आसानी से दिया जा सकता है। यह आत्म सुझाव के सिद्धांत में लिप्त हुआ है। आइए हम अपने ध्यान को आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित कर ले और यह पता लगाएं कि क्या और यह कैसे हासिल करने में समर्थ है। ये तथ्य तो सभी जानते हैं कि आदमी अपने आप से जो बार बार दोहराता है वह आखिरकार उस बात पर विश्वास करने लगता है, चाहे वह बात सही हो चाहे वो गलत हो। अगर कोई आदमी बार बार किसी झूठ को दोहराता रहे तो अंततः वह झूठ को सच में के रूप में स्वीकार कर लेगा। यही नहीं, विश्वास करने लगेगा कि वही सच है। इंसान वही बन जाता है जिस तरह के विचारों को वो अपने मन में राज करने देता है। जिन विचारों को इंसान अपने मन में जगह देता है, जिनसे वह सहानुभूति के लिए प्रोत्साहित करता है और जिन्हें वह अपनी भावना के साथ संबंध करता है, वे प्रेरक शक्तियां बन जाती हैं और जो उसकी हर गतिविधि, हर कार्य, हर कर्म को नियंत्रित और निर्देशित करती हैं। आइए अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्ची वक्तव्य हम पढ़ेंगे। इतना सभी को क्लियर है, समझ आ रहा है क्या समझाना चाहते हैं हमें? क्लियर है सभी को? हाँ जी मैम, हाँ जी क्लियर है। इंटरेस्टेड है ना, समझ आ रही है चीजें? ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप से रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को। हाँ, ऐसे ही अपनी बातों को, पीछे वाली बातों को सोच सोच रहे हैं कि हाँ ऐसे ही हुआ था ऐसे। जब विचार भावनाओं के साथ संयोजित हो जाते हैं तो वे एक मैग्नेटिक पावर बन जाते हैं जो अपने समान या अपने से जुड़े दूसरे विचारों को आमंत्रित करते हैं। भावना के साथ जुड़ जाने पर इस तरह से चुंबकीय हो गए विचार की तुलना हम उस बीज से कर सकते हैं जिसे उपजाऊ जमीन में बोए जाने पर वह अंकुरित होता है, उगता है, कई गुना हो जाता है। जब तक कि यह छोटा सा एक बीज अपने ही लाखों अनगिनत बीज नहीं बना देता। मानवीय मन ऐसे कंपनों को लगातार आकर्षित करता है जो मन में रह रहे विचारों के अनुरूप इंसान के मन में प्रबलता में मौजूद कोई भी विचार, योजना या लक्ष्य अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित और आकर्षित करता है और इन रिश्तेदारों से जुड़ने के बाद वह अति अधिक शक्तिशाली बन जाता है और उसकी शक्ति तब तक बनी रहती है जब तक कि वह उस व्यक्ति का प्रबल मालिक नहीं बन जाता जिसके मन में वह निवास करता है। हम शुरुआती बिंदु पर फिर से चलें और यह जानें कि किस तरह विचार योजना या लक्ष्य का मूल बीज मन में बोया जाता है।
यह जानकारी आसानी से दी जा सकती है कि किसी भी विचार, योजना या लक्ष्य को बार बार दोहराए जाने पर इसे मन में रखा जा सकता है। इसलिए आपसे यह कहा गया है कि आप अपने प्रमुख लक्ष्य को लिख लें, उसे याद कर लें, इसे जोर से हर दिन पढ़ें, जब तक कि यह ध्वनि के कंपन आपके अंतर्मन तक ना पहुंच जाए। दुर्भाग्यशाली माहौल के प्रभावी प्रभावों को हटाने का संकल्प करें, अपने जीवन को सही पटरी पर लेकर आए, अपनी मानसिक संपत्ति या दायित्वों का हिसाब लगाएं और आप पाएंगे कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपके आत्मविश्वास की कमी है। आप आत्म सुधार के सिद्धांत की मदद से इस कमी या अड़चन को पूर्ण कर सकते हैं और अपने संकोच को साहस में बदल सकते हैं। इस सिद्धांत का प्रयोग कुछ सकारात्मक विचारों के आसान प्रयोग द्वारा किया जा सकता है। आपको सिर्फ इतना ही करना है कि आप इन सकारात्मक विचारों को लिख ले, याद कर ले, बार बार पढ़ें, जब तक कि ये आपके अंतर मन के सक्रिय उपकरण का हिस्सा ना बन जाए। आत्मविश्वास का फॉर्मूला, अब यहाँ कुछ फॉर्मूलाज हैं जिनको हम देखेंगे कि हाँ अपना आत्मविश्वास हमें कैसे बढ़ाना है। सबसे पहले बात करते हैं, मैं जानती हूँ कि मुझ में जीवन के निश्चित लक्ष्य को हासिल करने की योग्यता है और इसलिए मैं खुद से यह अपेक्षा रखती हूँ कि मैं इसे हासिल करने के लिए निरंतर लगन से कार्य कर और मैं यहाँ पर अभी वादा करती हूँ कि मैं इसी तरह से कार्य करती रहूंगी। दूसरा, ये मतलब एक आपको विश्वास करना है अपने ऊपर, ये सेल्फ डिसीजन आपका। दूसरा, मुझे एहसास है कि मेरे मन के प्रबल विचार अंततः आपको बाहरी भौतिक कार्यों में बदल देंगे और धीरे धीरे आपने आपको भौतिक रूप से रूपांतरित कर लेंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को हर दिन 30 मिनट तक इस बात पर एकाग्र करूंगी कि मैं इस तरह के इंसान बनने के बारे में सोच रही हूँ ताकि मेरे मन में इसकी एक स्पष्ट तस्वीर बन जाए या बनी रहे। तीसरा, मैं जानती हूँ कि आत्म सुझाव के सिद्धांत के प्रयोग के द्वारा मैं जिस भी इच्छा को अपने मन में निरंतर बनाए रखूंगी वह अंततः किसी प्रैक्टिकल तरीके के द्वारा अपने आप को भौतिक रूप में बदल देगी और मुझे वो वस्तु हासिल हो जाएगी जिसका मैंने लक्ष्य बनाया है। इसलिए मैं हर दिन 10 मिनट इस काम में दूंगी कि मैं अपना आत्मविश्वास विकसित कर सकूं। चौथा, मैंने स्पष्ट रूप से जीवन में अपने प्रमुख निश्चित लक्ष्य का वर्णन लिखा है और मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ूंगी जब तक कि मुझ में इसे हासिल करने का पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित ना हो जाए। पांचवा, मुझे पूरी तरह एहसास है कि कोई भी संपत्ति या पद तब तक लंबे समय तक नहीं बना रह सकता जब तक कि यह सत्य और न्याय पर आधारित ना हो। इसलिए मैं किसी भी ऐसी गतिविधि का संलग्न नहीं होंगी जिसे इससे प्रभावित होने वाले सभी लोगों को लाभ ना हो। मैं इसी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करके सफलता पाऊंगी जिनका मैं प्रयोग करना चाहती हूँ और मैं दूसरे लोगों के सहयोग के द्वारा सफलता पाऊंगी। मैं दूसरे व्यक्तियों को प्रेरित करूंगी कि वे नेहरु सेवा करें क्योंकि मैं हमेशा दूसरों की सेवा करने की इच्छुक रहूंगी। मैं सारी मानवता के प्रति प्रेम विकसित करूंगी। घृणा, ईर्ष्या, स्वार्थ और दोष देखने की आदत को अपने मन से दूर करूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि दूसरों के प्रति नकारात्मक नजरिया रखने से मुझे कभी सफलता नहीं मिल सकती। मैं ऐसे काम करूंगी जिससे दूसरों को मुझ पर विश्वास हो क्योंकि मैं उनसे अपने आप में विश्वास रखूंगी। मैं इस फॉर्मूले पर अपने हस्ताक्षर करूंगी और इसे याद कर लूंगी और इसे हर दिन जोर जोर से पढ़ूंगी। ऐसा करते समय मुझे विश्वास होगा कि यह मेरे विचारों और कार्यों को धीरे धीरे प्रभावित करेगा ताकि मैं ऐसी स्वावलंबी और सफल व्यक्ति बन सकूं। इस फॉर्मूले के पीछे प्रकृति का नियम है कि जिसे अब तक कोई आदमी स्पष्ट नहीं कर पाया है। इस नियम को आप किस नाम से पुकारते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मानव जाति की सफलता और प्रसिद्धि के लिए यह काम करता है बशर्ते इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाए।
दूसरी ओर अगर इसका विध्वंसात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उतनी ही तत्परता से नष्ट भी कर सकता है। इस वक्तव्य में एक महत्वपूर्ण बात, महत्वपूर्ण सच्चाई छुपी है, यानी जो हार जाते हैं और गरीब दुखी और कष्ट में अपने जीवन को गुजारते रहते हैं, वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने आत्म सुझाव के सिद्धांत को नकारात्मक प्रयोग किया है। इसका कारण यह तथ्य है कि विचार के सभी संवेगों के की यह प्रवृत्ति होती है कि वे अपने आप को भौतिक रूप से रूपांतरित कर लेते हैं। अंतर्मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि विचार रचनात्मक है या विध्वंसात्मक, यह उस सामग्री पर काम करते हैं जो अपने विचार संवेगों द्वारा इसे प्रदान करते हैं। अंतर्मन डर के द्वारा आवेशित विचार को भी उतनी ही तेजी से हकीकत में बदलता है जितनी तेजी से साहस या विश्वास के द्वारा प्रेरित विचार को हकीकत में बदलेगा। बिजली का या यदि रचनात्मक प्रयोग किया जाए तो यह उद्योग के पहियों को आगे बढ़ाती है और मानव जाति की सेवा करती है, परंतु नकारात्मक प्रयोग किए जाने पर यह जान भी ले सकती है। उसी तरह आत्म सुझाव का नियम आपको सुख शांति समृद्धि दे सकता है या फिर यह आपको दुख असफलता और मृत्यु की घाटी में भी फेंक सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किस हद तक समझते हैं या लागू करते हैं। अगर आप अपने मन में डर, शंका, अविश्वास भर लेते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि आप में असीम शक्तियों के साथ जुड़ने और उनका प्रयोग करने की सामर्थ्य नहीं है, तो आत्म सुझाव का नियम इस विश्वास अविश्वास के भाव को लेगा और इसे उसी सांचे में ढाल देगा जिसके द्वारा आपका अंतर्मन इसके भौतिक रूप में बदल देगा। उस हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व दिशा में ले जाती है और दूसरे को पश्चिम दिशा में, आत्म सुझाव का नियम आपको ऊपर उठा सकता है और नीचे गिरा भी सकता है, जो इस बात पर निर्भर करेगा कि आपने अपने विचार की पाल को किस तरह से बांधा है। आत्म सुझाव के नियम के द्वारा कोई भी व्यक्ति उपलब्धि की कल्पनातीत ऊंचाइयों को छू सकता है और इस कविता में बहुत अच्छी तरह से उसे अभिव्यक्त किया गया है। उसको पढ़ते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप हार गए हैं तो आप हार गए। अगर आप सोचते हैं कि आप में हिम्मत नहीं है तो आप में नहीं है। अगर आप जीतना चाहते हैं लेकिन सोचते हैं कि आप जीत नहीं सकते तो यह लगभग तय है कि आप जीत नहीं पाएंगे। अगर आप सोचते हैं कि आप हारेंगे तो आप हार चुके हैं, क्योंकि दुनिया में हमने पाया है कि सफलता किसी व्यक्ति की इच्छा से ही शुरू होती है। यह पूरी तरह से मानसिक स्थिति पर निर्भर है। अगर आप सोचते हैं कि आप पिछड़ गए हैं तो सचमुच ऐसा ही होगा। आपको ऊपर उठने के बारे में सोचना होगा, आपको अपने आप पर विश्वास करना होगा, तभी आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। जिंदगी के युद्ध में हमेशा वही जीतता है जो सबसे ताकतवर या तेज होता है, बल्कि तुरंत या देरी से वही जीतता है जो सोचता है कि वह जीत सकता है। उन शब्दों पर ध्यान दीजिए जिन पर जोर दिया गया है कि आप उस गहन अर्थ को समझ लेंगे जो कवि के मन में था। आपके मन में कहीं ना कहीं उपलब्धि का बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए तो और काम में जुटा दिया जाए तो आप उन ऊंचाइयों को पा लेंगे या आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएगा जिसे हासिल करने की बात आपके सपने में भी नहीं सोची होगी। जिस तरह महान संगीतकार वायलिन के तारों में संगीत का सुंदर लहरिया छिड़ जाता है, उसी तरह आप भी अपनी प्रतिभा को जगा सकते हैं जो आपके मन में कहीं ना कहीं दबी पड़ी है। इसके माध्यम से आप अपने आप को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं। जिस लक्ष्य को पाना चाहते हैं उस लक्ष्य को इजिली प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। यहाँ 40 साल की उम्र तक अब्राहम लिंकन का हम कल स्टार्ट करेंगे।